मेरी इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज मैं आया हूँ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में मंडकिया गांव करके, जहाँ पर स्थित है सावरा जी का मंदिर, जो काफ़ी भव्य मंदिर है। और मैं रात को रुका था एक होटल में, क्योंकि रात को मैं लेट हो गया था, यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब 8 बज गई थी, तो फिर रात को दर्शन वगैरह किए नहीं। और अभी हम दर्शन करने जाएंगे। जैसा कि दोस्तों रात को क्या बताऊँ मैं, रात को यहाँ पर वही मैंने टाइम बताया था कि 8 बजे आया था करीब, और उस समय काफ़ी मात्रा में तेज़ बरसात हो रही थी, तो उस समय मेरे कपड़े वगैरह सारे गीले हो गए, और यहाँ तक कि मेरे जूतों में पानी भर गया। रात भर मैंने कूलर के हवा में जूतों को रख के फिर सुखोया मैंने, तब जाके अभी थोड़े बहुत हल्के हुए जूते, तो भी अभी भी गीले ही हैं, साथ में और कुछ है नहीं, तो अभी गीले ही पहनने पड़ेंगे। अभी तो चलते हैं अपन। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला था कि अभी सुबह की अभी यहाँ पर 6 बज रही है और काफ़ी मात्रा में भीड़ होगी, तो देखो अभी भीड़ देखो, अभी तक दर्शन के लिए गेट भी नहीं खुले हैं और इतनी सारी भीड़ है, और अपन को भी जाना है अंदर दर्शन के लिए, तो चलो चलते हैं आगे। होने की वजह से पूरा डाइवर्सन दे रखा, मतलब कि पूरा राउंड लेके फिर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। वैसे दोस्तों बता देता हूँ, अभी काफ़ी मात्रा में भीड़ नज़र आएगी आपको मेरे पीछे वाली साइड में, तो यहाँ पर ये बना हुआ महिला एंड पुरुष की लाइन, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा लाइन वगैरह का कुछ सीन नहीं है, सारे लोग एक जैसे चल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कितनी भीड़ हो गई, पेड़ देने के तक की जगह नहीं है यहाँ पे, और अभी तो ये कुछ नहीं है भीड़। अभी अपन मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे, उस समय वहाँ पर जो धक्का लगने वाला है पीछे वाली साइड से, अगर संभल के अगर कदम आगे नहीं रखोगे तो आप नीचे गिरने के चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि इतनी भीड़ है। यहाँ से तो इतना सा गैप है, लेकिन देखो पीछे, देखिए पीछे कितनी भीड़ है, सब जने एक दूसरे के चिपक के चल रहे हैं, हल्की सी भी जगह नहीं है। अगर कोई दूसरा आके बीच से अंदर घुस जाए तो भी इसके लिए साइड में तार वगैरह लगा रखे हैं, तो ताकि कोई डायरेक्ट लाइन में नहीं घुस सके, और पूरा राउंड लेके लोग आ रहे हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी है, तो जो शॉर्टकट रास्ता था उसको बंद कर रखा है और राउंड लेके भेज रहे, ताकि इससे क्या मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी इस कारण से। और भीड़ देखिए, और यहाँ से जब अंदर एंट्री होती तो यहाँ से लोग हल्का सा दौड़ते हैं कि हम पहले जाएं, लेकिन आगे जाके उनको लाइन में लगना भी है। ये देखिए लाइन लग गई फिर से, और अब यहाँ से अंदर जाने के लिए सबसे मेन एक दो मिनट तो लगेंगे अंदर जाने के लिए। भीड़ देखो एक बार, और गेट इतना सा बड़ा है यहाँ का, दो गेट है लेकिन तो भी इतना सा बड़ा गेट है, और वो जो राइट साइड में गेट है उसके अंदर से भी भीड़ अंदर से आ रही है। और अंदर से वाइज राउंड लाइन है उसका भी वही है, और ये है गणपति बप्पा मोरिया, स्टार्टिंग में मंदिर इनका ही है। बस ये पहुंचने वाले हैं हम मंदिर के अंदर, एंट्री करने वाले हैं लोग। देखो एक दूसरे को धक्का दे के जा रहे हैं अंदर, और अपन को थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन अभी हल्के से अगर डिस्टर्ब हुए तो हमारा मोबाइल गिर जाना।
ये अपन ने एंट्री कर ली अंदर, और अब देखो आगे भीड़, और अभी तो काफ़ी भीड़ है अंदर, दर्शन के लिए टाइम लगने वाला है अपन को। और भीड़ देखो ना बाबा, कितनी भीड़ है अंदर। जेंट्स तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन लेडीज़ के लिए कितनी परेशानी आती है यहाँ पे। साथ में अगर छोटा बच्चा हो और अगर लेडीज़ हो तो उसको आगे जाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और जेंट्स कैसे सामना कर रहे देखो, उनको देखो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। बस वो देखा मैं सबसे पहले दर्शन करूँ, लेकिन दर्शन को सबको एक साथ ही होंगे। उधर से भी भीड़ आ रही है पीछे वाली साइड से, तो मैंने बताया था आपको। इस भीड़ की वजह से यह बच्चा इतना रो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। बस मम्मी मम्मी चिल्ला रहा, मम्मी दूर रह गई। और ये अभी अपन पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूरी और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। और ये पहुंचे हैं बस अपन, यहाँ पर ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहने देंगे, वो डंडे मारेंगे रिक्शे से। श्री कृष्ण, जैसा कि दोस्तों एक साइड में दर्शन की भीड़ है और दूसरी साइड में भजन पर लोगों के नृत्य देखिए एक बार। सब अपनी खुशी में अलग अलग अंदाज में भजन के ऊपर नाच रहे हैं और अपनी खुशी का आनंद ले रहे हैं दरबार में, कृष्ण के दरबार में। तो काफ़ी लोग प्रसन्न हैं और अपनी अपनी अलग अलग टाइप में नाच रहे हैं। हमें भी इच्छा हो रही है, लेकिन अभी हम नहीं नाच सकते हैं। अगर हमारे साथ एक जना और कोई होता तो हम उसको कैमरा पकड़ा देते हैं हमारा, तो फिर अपन को नाचते देखते हैं। कितना मज़ा आ रहा है, एकदम सुकून मिलता है उसी जगह पर। एक दूसरे के धक्के से अपन अंदर चले गए और भगवान के दर्शन भी हो चुके हैं हमारे। और हम यहाँ से निकलने की तैयारी करने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी तो बाहर से ये सीन देखिए दोस्तों, काफ़ी भीड़ है अंदर से, सारे लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं। और ये काफ़ी बड़ा परिसर है यहाँ का, और पहले ये जो चारों तरफ ये देख रहे हो मतलब कि छोटे से गुंबद टाइप बने हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं थे। ये अभी 3 या 4 सालों के अंदर अंदर ही बने थे। सबसे पहले ये खुला मैदान की तरह था, पर अब जाके इसका काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है इसका। दोस्तों जिस होटल में मैं रुका था उसका होटल का नाम है गंगाराम पैलेस, और यहाँ पर मेरे को 500 रुपीज़ में मेरे को रूम मिला। रूम काफ़ी ठीक है, मतलब पीने का ज़्यादा भी अच्छा नहीं। और यहाँ पर आपको 200 से लेके 500 के बीच में रूम वगैरह सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और अब यहाँ से निकलने की कर रहे हैं तैयारी। जैसा कि दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।